प्रीपोजिशन की क्लास है आज ना, क्लास पूरा नहीं दे रहा हूँ, थोड़ा सा बस आपको बता करके छोड़ दूंगा। अभी आप घर चले जाना, ठीक है, बस 5 मिनट रुक जाओ, इसको समझ लो, उसके बाद घर चले जाना ना। अरे नालायक बैठ जा, ठीक है, वेलकम बैक जीनियस इंग्लिश क्लासेस बेदबिहारी पोखरा। आज हम आपको थोड़ा सा प्रीपोजिशन के बारे में चर्चा करके देखते हैं कि प्रीपोजिशन होता क्या है। देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि प्री का मतलब होता है कि बाद में, प्री जो होता है इसका यूज हम ऐसे कुछ करते हैं कि बिफोर यानी पहले, ठीक है, बिफोर यानी कि पहले के सेंस में करते हैं। पोजिशन का मतलब होता है बाद, यानी कि स्थान को शो करता है, प्लेस को। तो इंग्लिश जब हम इसका इंग्लिश लैंग्वेज है, जब इंग्लिश में इसको हम लगाते हैं, प्रीपोजिशन का यूज इंग्लिश में करते हैं, इंग्लिश ऐसे, ठीक है, तो ठीक है, नाउन से पहले यूज हो सकता है, बाद में नहीं लगा सकते आप। और जब हिंदी लगाते हो तो बाद में आता है, तो वही पोजिशन होता है उसका स्थान। जैसे टेबल पर, तो टेबल पर कर रहे हो, लेकिन इंग्लिश बोलोगे तो आन टेबल बोलोगे, होगा ना। तो प्री का मतलब पहले, पोजीशन का मतलब स्थान होता है, लेकिन बाद का स्थान हिंदी में लगाते हो, ठीक है। और देखो, पोजीशन में जो प्रीपोजिशन आपका एक ऐसा वर्ड है जो दो नाउन के बीच का स्थान, मतलब उनके बीच का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसको स्थापित करता है कि दो नाउन के बीच में संबंध क्या है, उनके बीच के संबंध को दर्शाता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। क्या समझे? कि प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो दो नाउन के बीच के संबंध को स्थापित करता है, उसी को प्रीपोजिशन कहते हैं। हाँ, आगे इसमें कुछ कॉमन मिस्टेक आपसे हो जाते हैं कि जब हम प्रीपोजिशन पढ़ते हैं बेटा, तो बात यह होती है कि प्रीपोजिशन जब हम पढ़ते हैं तो ये देखो कि प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आ सकता है, लेकिन सब्जेक्टिव कभी नहीं आएगा, भूल कर भी मत लगाना, वरना सेंटेंस हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है, हमेशा गलत हो जाएगा। जैसे सी हैज कंप्लेंड अगेंस्ट रोहन एंड मी, तो बताओ, किसी का नाम ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों होता है, लेकिन मी आपका प्योर ऑब्जेक्ट है और आई आपका प्योर सब्जेक्ट है, तो ये कैसे सही होगा? और रोहन क्या है? ऑब्जेक्ट भी है, क्योंकि आप जानते हो कि किसी का नेम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है, लेकिन जब हम प्रोनाउन यूज करेंगे तो बदल जाएगा। तो देखो, यहां पे आई क्या है सब्जेक्ट और मी क्या ऑब्जेक्ट है, तो मी पे क्लिक कर दो, ठीक है, मी पे, और यहां पे भी है, तो अगेंस्ट ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ये क्या है? दो संबंध बता रहा है ना, तो रोहन और मी, तो ये ऑब्जेक्टिव केस आया, सब्जेक्टिव केस गलत हो जाएगा, ठीक, पहली बात। दूसरा ये है कि प्रीपोजिशन के बाद ना तो आप V1 लगाएंगे, ना तो V2 लगाएंगे, ना तो V3 लगाएंगे, ना तो V5 लगाएंगे, लगाएंगे तो V4 लगाएंगे, V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4, जिसे हम जीरंड कहते हैं, ठीक है, जिसे जीरंड कहते हैं, और आफ्टर प्रीपोजिशन V1 प्लस ING इज यूज्ड, जिसे हम जीरंड कहते हैं, जिसका नाम होता है V4, V1 प्लस ING इज इक्वल टू V4, V1, V2, V3, V5 हम नहीं लगा सकते। देखो, ही अब्सटेन फ्रॉम टेकिंग टी, फ्रॉम क्या है प्रीपोजिशन, टेकिंग क्या है बिफोर, टी नाउन, तो ये क्या है कि उसने ये क्या कर दिया, तिरस्कार कर दिया या फिर वंचित कर दिया, इसे हम कह सकते हैं कि वो मैंने चाय पीना उसके लिए क्या है, वो तिरस्कार करता है चाय पीना, उसको हमेशा मतलब चाय पसंद नहीं होगा, या फिर स्मोकिंग कर दो कि वो धूम्रपान का तिरस्कार करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन में कुछ गलतियाँ होती हैं, उसी को मैं सही करने का प्रयास किया हूँ कि यहाँ पे प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि दो दो जगह होता है, देखो प्री और पोजिशन अलग अलग, प्री धन पोजिशन इज इक्वल टू प्रीपोजिशन, तो प्री का मतलब होता है बिफोर और पोजिशन का मतलब होता है प्लेस यानी स्थान, तो हिंदी में यूज करते हैं तो टेबल पर, और प्री का मतलब पहले यानी कि ऑन टेबल, तो कहाँ आया, टेबल से पहले आया, तो प्री से मतलब होता है पहले से, तो हम नाउन
के पहले प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, ये भी ध्यान देना। और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव आता है, सब्जेक्टिव नहीं। और प्रीपोजिशन के बाद V1 आ सकता है, क्योंकि V1 प्लस ING इक्वल टू जीरन क्या होता है, नाउन के जैसा होता है, इसलिए इसका यूज यहाँ होता है, ठीक है। और V1, V2, V3, V5 नहीं यूज हो सकता, V4 यूज करना, ठीक है। तो आज के लिए क्लास इतना ही रन दो, और सबके लिए एडवांस में हैप्पी होली, और आप खुशियों से अपनी होली मनाएं। जीनियस कोचिंग की तरफ से आप सबको आशीर्वाद और सबको बधाइयां, ठीक है। ओके, थैंक यू।